बिलासपुर जिला के नवनियुक्त जिलाधीश पंकज राय ने बिलासपुर में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान बताया कि विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा और बिलासपुर जिला को कोरोना मुक्त हो इसके लिए जल्द से जल्द प्रयास किए जाएंगे, जिसके लिए टेस्टिंग को बढ़ाया जाएगा और कोरोना महामारी पर लगाम लगाने के लिए वैक्सीनेशन कार्य में भी तेजी लाई जाएगी। जिलाधीश बिलासपुर ने कहा कि उनका ये प्रयास रहेगा कि सार्वजनिक स्थानों पर लोग कोविड-19 महामारी के तमाम प्रोटोकॉलों का पालन करें। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी पर पूर्ण रूप से जंग जीतने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में भी तेजी लाई जाएगी और जो विकास कार्य चल रहे हैं उन्हें शीघ्र अतिशीघ्र पूरा भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण योजनाएं जैसे रेलवे भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे प्रोजेक्ट, इसके अलावा 4-लेन प्रोजेक्ट, एम्स का निर्माण, इस तरह की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं इन्हें जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों की समस्याओं को समयबद्ध तरीके से निवारण करना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा। पंकज राय ने कहा कि डंपिंग साइट का मामला उनके ध्यान में आया है और SDM को इस मामले के निपटाने को कहा है और उचित कार्रवाई करने के आदेश भी दिए गए हैं। कोरोना हमारा टारगेट है कि कोरोना जल्दी से जल्दी बिलासपुर को कोरोना मुक्त किया जाए, जिसमें हम सैंपलिंग बढ़ाने की बात कर रहे हैं और वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो। अगर कोई पॉजिटिव किसी एरिया में आता है तो माइक्रो कंटेनमेंट में प्राइमरी कॉन्टैक्ट और उसके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाए, सबसे इम्पोर्टेंट काम तो आज की डेट में ही है। इसके अलावा जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, चाहे वो रेलवे लाइन से संबंधित हो, नेशनल हाईवे हो, एम्स हो और बाकी जो प्रोजेक्ट स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम हो, हमारी प्राथमिकता रहेगी कि उन पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया जाए और कुछ इशूज़ भी जो लोकल लोगों के हैं उनको रिजॉल्व किया जाए। तो मैं कोशिश करूँगा कि उनका रिव्यू पीरियडिकली किया जाए, फोर्टनाइटली और कुछ प्रोजेक्ट्स का वीकली, ताकि हम और पुश कर सकें, ताकि जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं बिलासपुर में आज डेट में उसमें अपनी जो समय अपनी निर्धारित है उसमें पूर्ण हो सके। सर, डंपिंग साइट को लेकर जो बात सामने आई, डंपिंग साइट का कंप्लेंट आया था कि डंपिंग हो रही है, इल्लीगल डंपिंग हो रही है, तो हम SDM साहिबान और जो हमारे तहसीलदार हैं उनको हमने ऑलरेडी डायरेक्शन दे दी है कि आप डंपिंग साइट आइडेंटिफाई करें ताकि उसका रेवन्यू पेपर देख के किस तरह की लैंड है, ताकि हम उसको नोटिफाई कर सकें कि लोग जो भी डंपिंग करें वो लीगल डंपिंग यहाँ पर मिला।